प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती, डॉक्टर के एल कौशिक विभागाध्यक्ष गणित विभाग, डॉक्टर नरेश कामरा वरिष्ठ प्राध्यापक प्रिया और अध्यापक प्यारे बच्चे, आपका धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे अपने बीच में बुलाया इस मैथमेटिक्स क्लब के धमाकेदार फंक्शन के लिए। एज यूजुअल पिछले वर्षों की तरह दिस फंक्शन वाज फुल ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। क्लियरली विजिबल आउट ऑफ 18 पार्टिसिपेंट्स 12 आर वेमेन। Out of 6, 7 performances, all were done by girls. एक में वो लड़की लड़के के रूप में बस दिख रही थी, लेकिन आपने देखा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद चक्कर आ रहे थे। ये थोड़ा सोचेगा, आदमी जब अच्छे से परफॉर्म कर लेता है तो उसको तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहां चक्कर आ रहे थे। तो ये इसलिए सोचने का विषय है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप सबका ख्याल रखती हो, सब काम अच्छे से करती हो, पर जब अपने अपनी बात आती है ना, अपनी सेहत की बात आती है, तो वहां से तुम चोरी करते हो अपने साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ। पता नहीं कौन सी सोच लेकर के आप ये करते हो, कम खाएंगे। वो ठीक है, कम खाना और कम खाना अच्छा होता है, लेकिन एक सीमा तक। युग बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सोच बदलती है, लेकिन अंधी नकल मत करो, क्योंकि जब आप अंधे नकल करते हो तो आप अपना दिमाग यूज नहीं करते। क्योंकि यदि दिमाग यूज कर लिया तो जो नकल करने जा रहे हो आप, उसमें अच्छाई और बुराई का भेद आपको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा तो आप अच्छी चीजें उसमें से ग्रहण कर सकते हो और खराब चीजें छोड़ सकते हो। The first priority of a student is to be healthy. Second is the simplicity. विप्रो के मालिक अजिम प्रेम जी हवाई यात्रा कर रहे हैं इकोनॉमी क्लास में। एक तुम्हारी तरह का एक नवयुवक, उसने एक बार देखा तो उसको लगा कि जाना पहचाना सा चेहरा है, कहीं देखा हुआ है। इंडिफरेंट होने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये कहीं देखा हुआ है। क्या रूपानी गया, पूछी बेटा, क्योंकि उसके जहन में वो याद आ गई कि इंटरव्यू में फोटो देख लिया हुआ है कहीं। बोला आप आजिम प्रेम जी हैं विप्रो से या विप्रो के मालिक? बोला हाँ। बहुत साधारण सी वेशभूषा, साधारण से जूते। तो उसने पूछा कि आप तो करोड़पति अरबपति आदमी हैं, आप इकोनॉमी क्लास में क्यों यात्रा कर रहे हो? एग्जीक्यूटिव क्लास है आगे।
सिंपल सा जवाब दिया, बोला एग्जीक्यूटिव क्लास वाले के जल्दी पहुंच जाएंगे, जहाज तो एक साथ ही पहुंचेगा। आप कुछ भी खरीद सकते हो, आपकी ऐसी सामान्य सी वेश होगा। कहते हैं आपको जीवन में सब कुछ मिला है, आपको कोई पछतावा है क्या अपने जीवन से? तो उन्होंने कहा कि यार सब कुछ है मेरे पास, कभी कभी घुटनों में दर्द हो जाता है, और घुटनों का दर्द जो है जब मैं तेज चलना चाहता हूं या कुछ करना चाहता हूं तो उससे मेरे को रोकता है। तो मेरे को बोला जीवन में एक ही पछतावा है कि इस दुनिया की चकाचौंध में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में कहीं मैंने अपनी सेहत को इग्नोर कर दिया, और सब कुछ होने के बाद तो आज मैं ये फील करता हूं कि वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, स्वास्थ्य पहले है, उसके बाद सब कुछ। गणित का ये मैथमेटिक्स क्विज, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणित जो है ना आदमी को जीना सिखाता है। बैठ जा भाई, 2 मिनट मुझे सुनना है, तो ये रिजल्ट वजल्ट बाद में बना लियो। गणित आदमी को जीना सिखाता है। गणित चार ही चीजें होती है गणित में जो आप बच्चे को सिखाते हो, जमा घटा गुणा भाग, और कुछ नहीं सिखाते आप। ये मैं किसी की कई हुई बातें कह रहा हूं आपसे, किसी में प्रोग्राम में था, वहां मैंने सुना और अच्छा लगा, तो मैं बता देता हूं बच्चों को ये चीज। यदि जमा घटा गुणा भाग के साथ आप ये वाली बात भी उनको बता दो तो उनका जीवन बदल सकता है। पर कोई नहीं बताता, किताबों का बोझ, बस्ते का बोझ, मोबाइल लैपटॉप खिलौनों का बोझ, ये सब लाते जाते हैं उसपे। जबकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, बच्चे के दिमाग में रिटेंशन सबसे ज्यादा होती है इस दुनिया में। यदि सबसे ज्यादा इंक्विजिटिव कोई है, इंक्विजिटिव मतलब जिसको प्रश्न पूछने की इच्छा रहती है और जिसको जानने की इच्छा रहती है, वो बच्चा है। क्योंकि वो जो भी चीज देखता है ना वही पूछता है क्या है, और हम उसके उस जानने की इच्छा को मार देते। आधी बार तो हमें पता नहीं होता कि जवाब क्या देना है, और आधी बार हम इतने व्यस्त होते हैं अपने आप में, और धीरे धीरे उसकी जो प्रश्न पूछने की क्षमता है खत्म हो जाती है। मैं आपसे बात कर रहा था कि गणित जीवन जीना सिखाता है, और शुरू में आप बच्चे को पहली क्लास में जमा घटा गुणा भाग सिखाते हो। ये दो बातें मेरी आप याद रखना, आपका जीवन बदल सकती है और आपके आने वाली जनरेशन का भी। और एक आप उनको सिखाते हो अल्फाबेट्स, कहेंगे तो भूल गए हम सब, वो तो कोई सिखाना नहीं चाहता। अल्फाबेट सिखाते हो आप ए टू जेड, जमा पॉजिटिविटी धनात्मकता कहते हैं इसको, सिंपल ले लो। उसको ये सिखाना है आपको कि प्लस का मतलब, पॉजिटिविटी का मतलब है अच्छी चीज जो आपको जीवन में करनी चाहिए। दूसरा आप उसको सिखाते हो माइनस नेगेटिविटी धनात्मकता, ऋणात्मकता ऋणात्मकता। आप उसको कहो ये नेगेटिव ऐसी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखो सिंपल फंडा है, प्लस जो करना है, माइनस जो नहीं करना है। बात समझ में आती है सबको? आती है? आप चलो आगे। प्लस में यदि प्लस करें तो क्या आएगा? जो करना है यदि वही करोगे, अच्छी चीज करनी है, अच्छी चीज करोगे तो अच्छे ही रहोगे ना। प्लस गुना माइनस क्या होगा?
इसको करो एनालाइज, अच्छी चीज करनी है यदि नहीं करोगे तो माइनस आ कर दिक्कत होगी। माइनस इनटू माइनस क्या होता है, जो गंदी चीज है जो नहीं करनी यदि नहीं करोगे तो क्या आ रहा है, तो दिक्कत नहीं। कितना सिंपल फंडा है मैथमेटिक्स का, जो करना है वो करो आनंद, जो करना है वो नहीं करोगे स्ट्रेस, जो नहीं करना है नहीं करोगे फिर आनंद। सिंपल फंडा। कौशिक साहब लिमिट आयोटा ये सब सिखाते रहते हैं आपको। एक चीज और बताता हूं, ये आयोटा बाद में डिस्कवर हुआ, पर यदि आप पुरातन काल की बात भी करें समझ उनको भी थी। महाभारत में दुर्योधन ने क्या कहा था, जब कृष्ण जी वो लेके गए थे शांति दूत बन कर गए थे कि पूरा नहीं तो पांच गांव ही दे दो, तो उन्होंने कहा था कि मैं सुई के नौ की बराबर भी जगह, व्हाट इज दैट सुई की नौ, अयोध्या। आप नेट पे जाओ अयोध्या का मतलब देखो, बहुत कम, मिनिमम, इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट। वामन अवतार की आपने कहानी सुनी होगी, राजा बलि थे बहुत शक्तिशाली और सभी सारे लोगों पर उनका राज था, भगवान का बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन होता क्या है, प्रभुता पाए काय बल नहीं। जब आपको प्रभुता मिलती है, आपको पद मिलता है, संबंधता मिलती है, तो कभी कभी घमंड आ जाता है, शायद उसमें भी कहीं वो एलिमेंट आ गया होगा। यदा यदा ही धर्म से इलाजे भक्ति भागकर अभ्युत्थान धर्म सदा मानव चर्चा में हो, तो जब भगवान लोगों को पृथ्वी पर बड़ा करता है और जब उनमें घमंड आ जाता है तो वही चूक करता है, तो वो आगे नीचे भगवान वामन अवतार। छोटा सा बात, भगवान भिखारी बहुत जल्दी बनता है, ब्राह्मण का रूप बनाता है, भिखारी बन के चला जाता है, फिर लेता है, तो चले गए राजा के यहां कि भाई मुझे क्या चाहिए, बोला जी क्या चाहिए बताओ आपको। उसने सोचा इसे मिनिएचर स्मॉल आदमी है, क्या क्या कर लेगा, बोला ज्यादा लिया तीन कदम धरती दे दे, कि तीन कदम ज्यादा ले लो, कहता नहीं इतना ही बहुत है, बोले ले लो, एक में एक सारा लोग नाप दिया, एक में दूसरा नाप दिया। अब उसको गुस्सा आ गया उस राजा को, बोला तीसरा कहां रखू, बोले मेरे सिर पर रख ले। तीसरा उसके सिर पर रखा, वो कहां चला गया, नीचे बैठ। तो मैंने एक आपको बताया सिंपल जमा घटा गुणा भाग, एक अल्फाबेट्स की कहानी सुना देता हूं और बस उसके बाद बंद करते हैं, घर जाना होगा सबको। आनंद आ रहा है, आप ए फॉर एप्पल कहते हो, बी फॉर बुक कहते हो, क्यों भाई, जब हम पढ़ते थे जब भी यही था, आज भी यही है। Why can't we change our education system? ऐसे delivery तो हमारे हाथ में है। यदि मुझे मौका मिले पढ़ाने का छोटे बच्चे को, तो मैं उसको कैसे पढ़ाऊंगा? मैं उसको पढ़ाऊंगा बेटा बोल ए बी सी, वो बोलेगा ए बी सी, तो मैं कहूंगा अवॉइड बैड कंपनी। Why A for apple, B for book, C for cat? I will tell him, I will teach him, avoid bad company. उसके जहन में बस जाएगी वो बात और जीवन भर वो किसी बुरी संगत में नहीं पड़ेगा। टाइम थोड़ा ही, इसको मैं और कोरिलेट करता आपको सर, बहुत टाइम है, क्योंकि किसी भी आदमी की औसत नेचर, एवरेज नेचर, उन सराउंडिंग के आदमियों की एवरेज नेचर हो जाती है जिनके साथ वो छह सात घंटे से ज्यादा रहता है। ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है। एंड ए मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। यदि इंडिविजुअल छोड़ दे किसी को तो उसको आसानी से नहीं जान सकते आप, लेकिन वो कैसी संगत में रहता है
कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, ये उसके एटीट्यूड को, उसके कैरेक्टर को, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी ऑनेस्टी को, उसके हार्डवर्क को, उसके डिसिप्लिन को, डेडिकेशन को, डिवोशन को, डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करती है। DEM, डोंट एंटरटेन फूल्स। आपको मिलते हैं ना जीवन में, बच के निकलो। सींग बिठाने जरूरी है क्या? नहीं, साइड से निकलो, क्योंकि एक बार आपने बिठा दिए तो लॉस ज्यादा होने वाला है। आप जीत भी सकते हैं लेकिन फिर भी आपका लॉस हो जाएगा। कोयले की कोठरी में जाकर के कितना ही बच के निकलो, काल ईंट लगी है, उसको आपने अवॉइड करना है। GHI, गो फॉर हायर आइडियाज, ऊंचे विचार। आप भी सोच रहे हैं ना, पैसे थोड़े लगते हैं, नीचा क्यों सोचें, किसी का नुकसान करने की क्यों सोचें, अच्छा सोचें, ऊंचा सोचें, उत्तम सोचें और उसके लिए प्रयास करें। JKLM, ऐसे चलता ना अल्फाबेट, जस्ट कीप ए फ्रेंड लाइक मी। Mimi is not your principal. Have a good friend. He may be from the same sex, he may be from opposite sex, but he or she should be true friend. And true friend is a friend in need, is a friend in need. You should tell your children while teaching them alphabets. N-O Never overlook poor. कभी गरीबों को नजरअंदाज ना करो। They are our brothers and sisters. It is by chance that they are poor, you are rich. वो हम क्यों मान लेते हैं ऐसा? क्योंकि अमीरी को नापने के हमारे पैमाने किससे हैं? हमारी ड्रेस से, हमारे एड्रेस से। दे आर नॉट अ रियल मेजर्स ऑफ रिचनेस एंड पुअरनेस। प्लीज नेवर ओवरलुक पुअर। क्यू आर एस टी, क्विट रिएक्टिंग टू सिली केस। मूर्खतापूर्ण बातें, बेहूदी बातें, प्लीज डोंट रिएक्ट टू देम। आई डिवाइड पीपल इन थ्री कैटेगरीज, एवरेज पीपल, नॉर्मल पीपल, एक्सलेंट पीपल। एवरेज पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट पर्संस। आप अपने डिपार्टमेंट में भी देखते होंगे, कुछ लोग लोगों की बात करते रहते हैं। गांव में आमतौर पर जो गांवों से बच्चे आते हैं, दिन में काम नहीं होता, 8-10-15 जनानियां बैठ जाएंगी, बहू को भी डिस्कस करेंगी, किचन को भी डिस्कस करेंगी, और फाइनली जब उठेंगी, जब क्या कहते हैं, चलो हमें किसी से क्या लेना है। इट एक्चुअली हैपन्स बिकॉज when you will discuss people, you will get nothing. It is sheer wastage of energy, time. At least be a normal person, because normal persons always discuss events. And excellent people, they always discuss ideas. And when you will discuss ideas, new ideas will come to your mind. This will sharpen your skills. Maybe your talking skills, walking skills, cooking skills, teaching skills, soft skills. So please have
गुड कंपनी, टीच योर स्टूडेंट्स टू हैव गुड कंपनी, अवॉइड रिएक्टिंग टू सिली टेल्स. आगे क्या है? टी यू वी, ट्यून योर सेल्फ टू विक्ट्री. क्यों नहीं? विविध भारती का विज्ञापन प्रशासन सेवा केंद्र सुनना है तो 1368 किलो हर्ट्ज पे उस नॉब को घुमा करके फिक्स करना पड़ेगा. थोड़ा भी इधर थोड़ा भी उधर तो नॉइस आएगा. माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सेट योर गोल. सिंसियरली मेक एफर्ट्स to achieve that and find out the ways and means and tune yourself, tune your efforts so that you can achieve your goal. And even if you don't get success, please don't be discouraged. try again. I always tell you, fail is not fail, fail is first attempt in learning. You can have second attempt, no one can stop you. You can have third attempt, no one can stop you. But don't take fail as fail. Consider it as first attempt in learning. And I tell you, if you will succeed, you will lead the world. And even if you fail, you will guide. But your efforts will never go waste. WSYZ. This is from my side to all my students. This is from all teachers' side to all these brilliant students of Agarwal College. WSYZ. We expect you to zoom in life. हम चाहते हैं कि आप जीवन में उन्नति करें, उन्नति के शिखर को छुएं. जिस आशा और उम्मीद के साथ आपने इस महाविद्यालय में प्रवेश किया, एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने पीजी में एडमिशन लिया और जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप तरक्की करें जीवन में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. केएल कौशिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड इफ आई टॉक टू द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट that is even more close to my heart. My subject is physics, but I love mathematics people. Maybe they are more good than the physics people. Anyway, I have told you the mathematics, I have told you the alphabets. Next time we will meet, again I will tell you something which can be very useful in your life.